नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज मैं आपको ना विस्तार से बताऊं एम्बिएंट लाइट सेंसर के बारे में, ये क्या होता है। काफ़ी लोगों की कमेंट आती है कि लाइट सेंसर कैसे काम करता है। देखिए मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां पे है ना एक लाइट सेंसर लगा होता है, जब तक तो प्रॉपर काम करता है जब तक आपके डिस्प्ले टूट ना जाए। और डिस्प्ले टूटने के बाद जब आप डिस्प्ले चेंज कराने जाते हो ना, तो ये लाइट सेंसर अक्सर ख़राब कर दिया जाता है, क्योंकि जो अनाड़ी बंदे होते हैं ना मोबाइल रिपेयर करने वाले, वो इस सेंसर को ख़राब कर देते हैं सही तरीके से। आपको बताता हूँ, देखिए सेंसर कैसे काम करता है। कभी भी अपने फ़ोन में डिस्प्ले डलाने जाओ ना कहीं भी, डिस्प्ले डलाने के बाद उसकी दुकान पे वहीं खड़े होकर आपको चेक करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अपने ब्राइटनेस को ऑटो मोड पे कर लेना है, अपने मोबाइल की ब्राइटनेस को, ठीक है। इसके बाद आप दूसरा फ़ोन ले लीजिए या फिर आप काली पन्नी, मैं दोनों तरीके बताऊंगा आपको। पहले मैं दूसरा मोबाइल अगर आपके पास है तो उसकी टॉर्च जलाइए और अभी देखिए ना इसकी ऑटो मोड की जो ये लाइट है ना, देखो मैंने अभी ये फ़ोन नीचे रख लिया और ये लाइट कम हो गई ना। अब देखिए मैं इस पे है ना, इसके सेंसर के पास मैंने ये टॉर्च जली हुई है मेरे दूसरे फ़ोन में, अभी वो लेके जाऊंगा। जब देखना ये जो लाइट होगी ना अपने आप ही बढ़ जाएगी, अपने आप बढ़ गई, इसका मतलब जो आपका एम्बिएंट लाइट सेंसर है ना वो बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है। देखिए मैंने फिर से लगाया इस पे टॉर्च और ये लाइट इसने तेज़ कर दी अपनी, तो इसका मतलब वो एम्बिएंट जो लाइट सेंसर है ना वो काम कर रहा है इसका, ठीक है। और अगर ये काम ना करे, एक ही जगह अटका हुआ है, जैसे ऑटो मोड पे हमने कर रखा और ये टॉर्च दिखाने पे भी, मतलब रोशनी में आने के बाद भी ये काम नहीं कर रहा है ना, तो आप उस दुकानदार से उसी टाइम बोल सकते हो, बाद में कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। जब तक दुकान वाले के पास आप खड़े हो ना, जब तक आपने पैसे नहीं दिए, जब तक आपकी सुनेगा दुकानदार, ये ध्यान रखना। अगर आपने पैसे दे दिए और मोबाइल फ़ोन ले लिया और आप चल दिए अपने घर की तरफ, और बाद में जब प्रॉब्लम आती है ना, जब दोबारा आओगे तो फिर आपको सुननी पड़ेगी दुकानदार की, दुकानदार नहीं सुनेगा भैया आपकी, ठीक है। दुकानदार जब तक सुनता है जब तक आप उसके हाथ में पैसे ना दो। तो इसीलिए सबसे पहले ये सेंसर चेक करना अपने मोबाइल फ़ोन के कि ये प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये लाइट एरिया में आते ही इसकी जो ब्राइटनेस होती है ना बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है? ये एम्बिएंट लाइट सेंसर लगा होता है, या ऊपर प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी उसी के साथ लगा होता है। दो सेंसर के बारे में बताता हूँ। देखो एक तो मैंने आपको इससे चेक करना बता दिया, दूसरे फ़ोन की टॉर्च जला लेना और उसको इसके ऊपर सेंसर के ऊपर लाओगे ना तो ये लाइट बढ़ जानी चाहिए। देखो बढ़ गई ना, अब मैंने हटा दी इसको, टॉर्च हटा दी तो ये अपने आप ही कम हो जाएगा। कि अब मैं अगर अंधेरा कर दूं अपने, देखो मैं अपनी दुकान पे ना अंधेरा करके दिखाता हूँ, एक मिनट रुको। देखो मेरी दुकान पे लाइट जल रही है ना, मैं अभी अंधेरा करके दिखाता हूँ, फिर देखना इसको। देखो ये कम हो जाएगी, हो गई, हो रही है ना। बस इस तरीके से आपको ये चेक कर लेना। और एक और तरीका होता है, देखो मैं बताता हूँ क्या कौन सा तरीका है। इस काला स्टिकर टाइप का कोई भी चीज़ ले लेनी है, या फिर हाथ से भी रख, देखो हाथ रखोगे ना सेंसर के आगे, देखो लाइट कम हो जाएगी, हो रही है ना, बिल्कुल ही चली जाएगी ये, क्योंकि मैंने उंगली रख रखी है इसमें ना। अब हटाओगे तो फिर वो बढ़ा देगा जितनी ज़रूरत होती है फ़ोन को, है ना, उसके हिसाब से। या फिर आप एक काली पन्नी लेके वो भी इसके ऊपर रख सकते हो, सेंसर के ऊपर रखोगे तो अंधेरा सा छा जाएगा सेंसर के ऊपर, हटाओगे तो दोबारा से लाइट इसकी आ जाएगी। देखो ऐसे आपको मैं चाहता हूँ आपकी टेक में इतनी नॉलेज हो जाए कि आपको कोई भी बंदा लूट ना पाए, बेवकूफ़ ना बना पाए। देखिए दुकानदार है ना अक्सर ये गलती करता है, या फिर वो सेंसर चोरी कर लेता है, या फिर वो उस सेंसर को काट देता है, ख़राब कर देता है। मैं आपको ना प्रैक्टिकल भी दिखा देता हूँ जो आपकी समझ में आ जाए ना। किसी किसी फ़ोन में है ना ये सेंसर मदरबोर्ड पे लगा होता है, ये लगा, इसमें से एक एम्बिएंट लाइट सेंसर है और एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, ठीक है। इनका कई तरह से काम होता है, ये लैंडस्केप मोड में भी काम करता है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये सेंसर निकाल के, जैसे जैसे कोई दूसरा कस्टमर आया दुकानदार के पास, उसमें प्रॉब्लम थी उसके सेट में कि उसका लाइट सेंसर काम नहीं कर रहा था या फिर प्रॉक्सिमिटी सेंसर, तो वो क्या करेगा, निकाल के उस फ़ोन में लगा देगा और उसका ख़राब इसमें लगा देगा। अब आप तो गए हो डिस्प्ले डलाने के लिए, आप तो सिर्फ डिस्प्ले डलाओगे, बाकी और कुछ तो चेक करोगे नहीं। वो इस सेंसर को 500-600 रुपये में लगा देगा किसी दूसरे का और आपसे अपनी डिस्प्ले के पैसे ले लेगा और ये सेंसर आपका चेंज कर देगा। अब इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आपको क्या पता है इस चीज़ का कि उसने सेंसर चेंज कर दिया नहीं कर दिया। तो सेंसर चेंज करने का तरीका मैंने आपको बताया। एक मेन तरीका और है सेंसर चेक करने का, देखिए मैं बताता हूँ। अगर वो सेटिंग में जाके ऑफ भी कर देना दुकानदार, तो भी आप सेंसर को बिंदास चेक कर सकते हो। मैं बताता हूँ कैसे होता है। देखो वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको सेंसर चेक करने का तरीका बता रहा हूँ जो कि आपको कोई भी दुकानदार नहीं बताने वाला। अभी देखो अक्सर 90% दुकानदारों को तो ये पता भी नहीं होता इस तरीका चेक करने का सेंसर का। आपको चले जाना है *#899#, इसमें जाएंगे, एंड्रॉयड मोबाइल में काम करेगा, iOS में काम नहीं करेगा, ठीक है। इसमें आपको मैनुअल टेस्ट में आ जाना है। देखो ये मैनुअल टेस्ट है ना, मैनुअल टेस्ट पर टिक किया, इसके बाद को ऐसे स्लाइड करना है, हम पहुंच जाएंगे इंजीनियरिंग मोड में और आपको फिर आना है ये डिवाइस डीबगिंग मोड में, ठीक है। अब यहाँ से आपको सबसे नीचे चले जाना है, देखिए प्रॉक्सिमिटी सेंसर होगा,
इस पर टिक करना, उसके बाद प्रॉक्सिमिटी टेस्ट पे टिक करोगे तो देखिए इसमें क्या होता है। देखो प्रॉक्सिमिटी टेस्ट पे टिक किया, अब इसके बाद है ना इसके आगे कुछ भी आएगा ना 4 से 6 इंच की दूरी पे तो ये ग्रीन हो जाएगी लाइट। देखो मैं इसके ऊपर अगर हाथ रखूँ तो ये ग्रीन हो जाएगी। देखो देखो अब देखना, अब मैं इसके ऊपर हाथ रखता हूँ तो ये ग्रीन हो जाएगी। देखो 4 इंच की दूरी पे अगर मैं इसके ऊपर हाथ रखता हूँ तो ग्रीन हो जाएगी। इसका मतलब आपका सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर काम कर रहा है बिंदास, और हाथ हटाने पे ब्लैक लाइट, ठीक है। यहाँ पे पास भी लिख के आ जाएगा। अगर आपका प्रॉक्सिमिटी सेंसर काम नहीं कर रहा होगा ना तो यहाँ पे रेड कलर से फेल लिख के आएगा, ठीक है। देखो इस तरीके से है ना, मैं हाथ ला रहा हूँ तो ग्रीन लाइट आ जाएगी, हाथ हटा रहा हूँ तो ग्रीन नहीं आ रही। एक तरीका ये हो गया, और इसका एक तरीका और है प्रॉक्सिमिटी कंपोनेंट टेस्ट। जो कंपोनेंट लगा हुआ है ना उसको किस तरीके से कंपनी वाले जब ये मोबाइल फ़ोन बनते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप होके गुजरते हैं अलग अलग फील्ड से, तो वहाँ पे चेक किए जाते हैं कि इसका सेंसर कौन कौन सा किस तरीके से काम करता है। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए इसमें कुछ संख्या आ रही है ना, अब ये संख्या बढ़ जाएगी अगर सेंसर के आगे कुछ आएगा तो। देखो सेंसर लूप लूप कर रहा है ना, वो सेंसर ही कर रहा है आपका, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो होता है, लाइट सेंसर भी उसी में है। तो देखिए अभी देखिए उसके आगे मैं हाथ लाऊंगा ना तो इसकी संख्या बढ़ जाएगी, बढ़ गई ना। और अगर जितनी पास जाता जाऊंगा, जैसे मैं ये उंगली को बिल्कुल पास ले जाता हूं उसके, तो उसकी संख्या देखिए कितनी बढ़ जाएगी, कम से कम 35 से 37 हज़ार तक बढ़ जाएगी इसकी। बढ़ गई ना, 37 तक भी बढ़ी थी, 38 तक, 39 तक बढ़ गई, 40 तक, और ज़ोर से अगर दबाऊँगा तो 41 भी पहुँच जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सेंसर चेक करना है। इस अगर ये संख्या आगे पीछे ना हो, बढ़े ना घटे, एक ही जगह अटकी रहे या जीरो पे आ जाए, तो भाई साहब उसको फ़ौरन बोल देना दुकान वाले को, भाई मेरा सेंसर ठीक करके दे। मुझे नहीं पता कैसे करके देगा मगर मेरा सेंसर ठीक, क्योंकि इसके ख़राब होने की वजह से है ना कई प्रॉब्लम्स फ़ोन के अंदर आ जाती हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, कुछ टेक में आपका ज्ञान बढ़ा होगा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपने मोबाइल फ़ोन का।